गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट टू डिस्कसिंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं तो उसका टोटल मोमेंटम जो होता है वो क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। चाहे आप अभी नोट करो या उसके बाद नोट करो कुछ टाइम के बाद, तो उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेम भाई, हमने कंजर्वेशन शो करनी है बट व्हाई यूजिंग द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट एंड कैरी अप टू 3 marks इन द एचपी बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करके हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम में अगर आप देखोगे, हम मैंने क्या किया, दो बॉडीज कंसीडर की हैं, बॉडी ए एंड बॉडी वी। ठीक है, बॉडी ए एंड बॉडी बी बोथ आर मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटीज। डिफरेंट वेलोसिटी को क्या माना मैंने, बॉडी ए की वेलोसिटी मानी है मैंने U1, बॉडी बी की वेलोसिटी को माना मैंने U2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो U1 जो होगा U2 से बड़ा होगा, यानी कि जो ए बॉडी की वेलोसिटी है, जो पीछे से आ रही है बॉडी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और बी बॉडी की वेलोसिटी कम है। ठीक है, अब ये वेलोसिटीज मैंने कम और ज्यादा क्यों की, देखो हमें न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली बोला गया है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ तभी पॉसिबल है जब दोनों की बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगी तभी ये हम इसको फॉलो करेंगे। तो U1 की वेलोसिटी जो ज्यादा है और U2 की कम है, यानी कि कम स्पीड से चला और ये ज्यादा स्पीड से चला है, तो अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि इसके साथ स्ट्राइक कर जाएगा। तो दैट इज द पॉसिबिलिटी इन द डायग्राम हियर ड्यूरिंग द कोलिजन। अब देखो जब ये कोलिजन कर रहे हैं तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। कैसे, क्योंकि ये बॉडी जो है ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एफ बी ए लिखे जाएगा। उसी तरह से बी भी तो ए के कॉन्टेक्ट में है, तो ए बी क्या करेगी, ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। कितनी फोर्स अप्लाई करेगी, एफ ए बी। क्लियर होगी बात ये। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन के बाद ये को एक साथ इधर चल रहेंगे, क्या होगा कोलिजन के बाद, एक दूसरे से अलग अलग वेलोसिटी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, मान लो कोलिजन के बाद ऑटो कोलिजन क्या होगा, ए बॉडी की वेलोसिटी जो है वो B1 मान लेता हूं मैं, यानी कि ऑटो कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है B1, और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कितनी बन जा रही है, B2 बन जा रही है। लेकिन हमें तो यहाँ शो करना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता था, कि मोमेंटम जो बिफोर होगा वही मोमेंटम आफ्टर होगा। ठीक है, मतलब मोमेंटम जो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों बॉडीज जो है बिफोर कोलिजन एक सिस्टम बना रही है। ठीक है, तो एक सिस्टम में दो बॉडीज आ रही है, तो दोनों बॉडीज का मोमेंटम देखो कितना बनेगा, M1 U1, एक बॉडी का मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी की जगह कितना है U1, प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना बन रहा है M2 U2, ये बन गया बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम यहाँ है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन देखो मोमेंटम कितना बनेगा, यहाँ पे M1 V1 प्लस ऑफ दूसरी बॉडी का M2 V2, ये आ गया आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम। ठीक है, हम लोगों को इस आर्टिकल में ये शो करना है, क्या शो करना है इस आर्टिकल में, कि ये जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम किसके बराबर होगा, आफ्टर कोलिजन, यानी कि यहां पे जो मोमेंटम बनेगा वही मोमेंटम यहां पर रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या से हम इसको शो करेंगे, मान लो इस पहली बॉडी का मोमेंटम जो हो वो 10 kg/s है। ठीक है, दूसरी बॉडी का मोमेंटम जो होगा 10 kg/s है। ठीक है, यानी कि दोनों को मिलाकर के टोटल जो मोमेंटम बनेगा मेरे पास वो 20 kg/s हुआ। ठीक है, अब मुझे ये शो करना है कि कोलिजन होने के बाद, ये कोलिजन होने के बाद की पॉसिबिलिटी है, मान लो पहले बॉडी का मोमेंटम जो है वो 11 kg/s हो गया, तो दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, ताकि ये मोमेंटम जो कंजर्व्ड रहे, तो वो दूसरे का कितना बचेगा 9 kg/s, तो टोटल मोमेंटम कितना रहा 20 kg/s रहा। ठीक है, तो यहाँ पे वही मोमेंटम है जो यहाँ पे मोमेंटम है, बस वेलोसिटीज में इसमें चेंज आएगा, किसी की वेलोसिटी कम हो जाएगी, किसी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को ये शो करना है कि मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन है, कोलिजन होने से पहले जो मोमेंटम था वही कोलिजन क्या रहेगा, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो वही मोमेंटम क्या रहेगा, आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन होने के बाद भी इसका मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और किससे शो करना है हमने इसको, बाय यूजिंग द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है,
अब देखो हमने इस क्वांटिटी को मोमेंटम को इक्वल शो करना है, तो मोमेंटम बिफोर जो हमारे पास ये है m1 u1 plus m2 u2 किसके बराबर शो करना है, m1 v1 plus m2 v2 के बराबर। अगर हम इसको शो कर देते हैं तो दैट मींस द कंजर्व